चेयरमैन साहब बता रहे थे कि G20 का आयोजन 22 से 24 मई को श्रीनगर में हो रहा है। हम सब कोशिश कर रहे हैं और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जम्मू कश्मीर के प्रशासन का आयोजन नहीं है, यह आयोजन जम्मू कश्मीर की आवाम का है। पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर के बारे में एक धारणा बनेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आयोजन हम कर रहे हैं, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट हो, यहाँ का हैंडलूम हो, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट है, अगर यहाँ के सारे लोगों ने इस काम को सही ढंग से अंजाम दिया तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक्सपोर्ट अब हमारा अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है, कालीन हो या पश्मीना हो या बाकी चीजें हो, वो आने वाले दिनों में और तेज रफ्तार से बढ़ेगा और दुनिया के इन सभी देशों में कश्मीर का सामान पहुंचेगा। ये एक अच्छा अवसर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ उपलब्ध हुआ है। कुछ लोग हैं जिनको बुखार चढ़ जाता है, कुछ भी अच्छा होता है, अपने तो किया नहीं, अब कुछ होता है तो उनके पेट में दर्द होता है, उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम जो है उसकी खुशी के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 500,000 लोगों जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का ठेका लिया था लंबे समय से, उनके इशारे पर जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करने वाला नहीं है। आवाम की एक एक बात पर ध्यान देने, गौर करने का मुझे लगता है हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। एक सामान्य किसान, सामान्य मजदूर, सामान्य आदमी भी कोई शिकायत करेगा तो इस शिकायत पर पूरी तरह से गौर करके उसका समाधान करने की निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।